हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आप लोगों को मैं एक नई चीज दिखाने जा रहा हूं, तो आप लोग सभी लोग ध्यान से देखें। मैं आपको एक बढ़िया सी प्यारी सी नई चीज दिखाने जाऊँ, तो वीडियो पर बने रहे। सो गाइस, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बाटी चोखा। सो गाइस, कैसे बनता है पूरा आपको वीडियो में दिखाएंगे और बहुत ही प्यार से बनाएंगे, और आप लोग भी पूरी वीडियो देखिए। सो गाइस, ये कंडे हैं और ये आलू है और ये बैंगन है। अभी इनको हम भूंजेंगे, उसके बाद पकाएंगे। पकाने के बाद सब मिक्स करेंगे, फिर आपको जैसा होगा वैसा दिखाते हैं। सो गाइस, लहसुन लगा दिए हैं बैंगन में हम लोगों ने, देख सकते हो आप। यहाँ पे आग जल रही है, अभी इसी में बैंगन ये भूंजेंगे, ये आलू भूंजेंगे, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। सो गाइस, हमारी आगी बन चुकी है और हम इसको यहाँ पे बैंगन आलू डाल दिए हैं, तो आग से बंद कर रहे हैं। थोड़ी देर में ये पक जाएंगे। सो गाइस, आलू और बैंगन पक रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। हमने इनको बंद कर दिया है और अभी थोड़ी देर में पक जाएंगे, फिर पकने के बाद जैसा होगा हम दिखाते हैं आपको। अभी आलू और बैंगन पक रहे हैं, तो ऐसे करके भरा जाएगा इसमें, इसको बना के ऐसे बना के। बंद कर दिया गया है, इसमें बेसन मिलाया गया है, प्याज मिलाया गया, नमक मिलाया गया है, सब मिलाया गया हुआ है और इसको भूंजा गया है हल्के घी से। अब इसको हम आग में पकाएंगे। सो गाइस, हमारी बाटी बन गई है, ये चोखा बन गया, ये घी है और इसमें जो है हमने चोखे में आलू डाली हुई है भून के, और बैंगन डाला हुआ है, धनिया, मिर्चा, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़, नमक वगैरह मिला के एक ही में रख दिया गया है। तो इसको आराम से हमने बना के सब पूरा टेस्ट बना के रखा हुआ है। और इसमें क्या हुआ है बाटी में कि सो गाइस, ये हमारी बाटी बन के तैयार हो गई है। अब मैं आपको तोड़ के इसमें दिखाता हूँ इसमें क्या भरा गया है। इसमें भरा गया है बेसन का सत्तू, इसमें प्याज पड़ी हुई है, हरी मिर्च पड़ी हुई है, अदरक पड़ी हुई है, नमक पड़ा हुआ है, ये सारे आइटम इसमें मिला के डाले गए हुए हैं। और घी से इसके अंदर जो भरा हुआ है इसको तला गया है, अपने स्वाद अनुसार नमक डाला गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से भूंजा गया है, उसके बाद भरा गया है। भरने के बाद इसको बंद करके हल्की धीमी आंच से पकाया गया है। अब ये कंप्लीट हो गई है खाने के लिए। तो गाइस, आप लोग भी टेस्ट लें और हम भी खाएं। तो अगली वीडियो में हम फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। सो गाइस, आज हमने बाटी चोखा बनाया हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है। सो गाइस, आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ, कुछ नया बनाऊँगा, कुछ नया आप लोगों को दिखाऊँगा। मेरी उम्मीद यही है, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे कुछ ना कुछ दिखाऊँ। तो आप गाइस मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।